सुशांत, यस सर। मेरे साइड से कोई आवाज आ रहा है क्या? कुछ नहीं सर, नहीं सर। नहीं हाँ पंखा का टक 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 बोल के कोई आवाज नहीं है ना? क्लियर सर, नहीं सर, नहीं सर। क्लियर, थैंक यू। अब क्या 5 बजे होने से हम लोग का क्लास का टाइम हो रहा है बोल के तुरंत हम लोग ऑनलाइन में आएंगे तो कितना अच्छा लगता है। अभी हम लोग किधर जाने का जरूरत नहीं है, आराम से हमारे रूम में ही बैठते हैं, घर में ही बैठते हैं। गुड आफ्टरनून सर। हल्का जैसे राजे सो जाओ माता है। क्या नहीं सर, नेटवर्क का नहीं है, प्रॉब्लम मैंने है। 4-5 बार बुलाया, सब लोग आश्रय इधर। नहीं सर, मेन बात सुना ही नहीं दे रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम वजह से। कल से मैं क्या सुना, इसलिए सुना ही नहीं दिया कुछ। मैंने तुम्हारा चेहरा जूम करके देखा है। नहीं सर, इधर अंधेरा में दिखाई नहीं दे रहे। ओके माँ, सो डायरी हम लोग 5 बजे और 5 मिनट क्यों हम लोग वेस्ट करना, जो कोई कौन अटेंड नहीं किया उनके लोगों के लिए, वो 5 बजे के बराबर आ जाएगा। ओके सो वी कैन स्टार्ट। हाँ ओके सर। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहे हैं ना? हाँ सर, देख। सभी को स्क्रीन क्लियर? सर ओके सो मैं अभी ऐसा स्किप करने का टाइम पे, एक एक स्लाइड को स्किप करने का टाइम पे आप लोग देखिए कि कोई भी एक स्लाइड में आपका डाउट रहेगा तो आपको रिपीट भी ऐसा ही होता ही है। ओके माँ, कल हम लोग डिस्कस किया, कल हम लोग क्या डिस्कस किया, आईक्यू के बारे में। आईक्यू आप लोग का ऐसा रहता है, वायर टाइप आईक्यू बोलेगा तो आप लोग का ऐसा वायस रहता है। ओके, मटेरियल का वजह से हम लोग, जो मटेरियल हम लोग यूज करता है वो मटेरियल का वजह से हम लोग यूज करना चाहिए, ये आईक्यू है। और भी इसमें इंफॉर्मेशन रहता है, वो इंफॉर्मेशन हम लोग आगे देखेंगे। हेलो,
ओके सो यहाँ पे देखिए एक्चुअली हमारे पास है, हम लोग बात किया दो टाइप का आईक्यू है, वाइट टाइप आईक्यू है, होल टाइप आईक्यू है। वाइट टाइप आईक्यू मतलब यहाँ पे देखिए ये जो है ये आईक्यू में ये पहले वायर देखिए थोड़ा मोटा है, इसके वायर और छोटा सा मोटा है और छोटा सा मोटा है, और आगे आगे जाएंगे तो लास्ट वायर एकदम पतला है। महेश तुम्हारे लिए दोबारा बोल रहा हूँ सुनिए। सो यहाँ पे वायर टाइप आईक्यू है, वायर टाइप आईक्यू बोलेगे तो हम लोग कल बात किया था हम लोग वायर टाइप आईक्यू है। ओके सो ये वायर टाइप आईक्यू बोलेगे तो आप लोग का ऐसा रहता है, ये आपको ये बड़ा वायर है, इसके अलावा इसके बाद छोटा वायर है, इससे और छोटा वायर है और छोटा वायर है, और लास्ट में एकदम पतला वायर है। ओके माँ सो ये वायर टाइप मॉडल्स का आईक्यू ऐसा रहता है, और इसमें इसमें ये एएसटीएम अलग है, डिन अलग है। वहां पे लिखा जाता है कि डिन टाइप आईक्यू, आप लोग कल रेडियोग्राफी का टेक्स्ट बुक का इमेज निकाल के रखिए, 4.543 ऐसा कुछ है, वो इमेज इमेज निकाल के रखिए। ये वायर टाइप आईक्यू है, वहां पे आप लोग को दिया जाता है कि ऊपर का आईक्यू है, ऊपर का आईक्यू में डिन DIN बोल के लिखा जाता है, मतलब वो डिन टाइप आईक्यू ऐसा है। ओके मैम, और वायर टाइप आईक्यू बोलेगा तो वायर टाइप आईक्यू में एएसटीएम का मॉडल है, तो सब लोग अभी बुक्स ओपन कर रहे हैं। ओके सो वायर टाइप है तो एएसटीएम का है तो नीचे एएसटीएम बोल के लिखा जाता है। आपको मेन मेन चीज क्या है, काम कोई भी करता है लेकिन हम लोग का आइडेंटिफिकेशन मालूम होना चाहिए जहां पे कौन सा आईक्यू यूज करता है। ओके सो कल मैंने आपको वायर टाइप आईक्यू एस है, आप लोग का बुक में देखिए ऊपर आपको तीन आईक्यू एस दिया है, वन एस महेश बुक तो नया आदमी है ना, बुक खोलने से कुछ पता नहीं चलता है, थोड़ा पेज नंबर बताएंगे तो। पेज नंबर कल ओपन किया ना, पेज नंबर बताइए कोई भी बुक में मालूम नहीं। 4.14 4.14 ओके सर, हाँ मिल गया सर, मिल गया ना। ओके महेश तुम मुझे तुम्हारा बुक मुझे दिखाओ, ओके सर महेश तुम्हारा बुक दिखाओ, एक मिनट वो मालूम नहीं चल रहा है तो अभी, अभी शो किया ना। ओके तो यहाँ पे मालूम नहीं चल रहा है, यहाँ पे आपको फर्स्ट ठीक है मुझे याद है, ठीक है छोड़िए महेश, यस सर ठीक है छोड़िए। हाँ यहाँ पे बुक में आप लोग देखिए फर्स्ट आपको इमेज एक आईक्यू का इमेज दिया हुआ है, एक वाइट टाइप का आईक्यू है, उसका बाजू में 1S/7, 6S/12, 10S/14, 16 बोल के तीन आईक्यूएस दिया है, वो आपको वायर टाइप मॉडल में टिन का आईक्यूएस है। नीचे और देखिए और आपको 1A, 1B, 1C, 1C दिया हुआ है, ये भी वायर टाइप का है। ओके ये भी वायर टाइप का है लेकिन ये इसमें आप अपने तो बिन क्लास स्टार्ट होगा ना, पेज नंबर भाई कहते क्यों डिस्कनेक्ट हो गया सडनली, क्या हो रहा है सडनली डिस्कनेक्ट हो गया। ओके नो प्रॉब्लम, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सडनली डिस्कनेक्ट हो गया सर, इग्नोर एक बार पेज नंबर बताइए। तो यहाँ पे हम लोगों का आया था क्या 4.14 यहाँ पे आप लोगों का आईक्यूए का वायर टाइप आपको दो दिया है, ऊपर का एक डिन टाइप मॉडल का, नीचे एएसटीएम का, और आपको सेकंड मॉडल आईक्यूए आपको बताया होल टाइप आईक्यूए। होल टाइप आईक्यू का मतलब कैसा रहता है, यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे एसएस दिया है, यह होल टाइप आईक्यू में आपको कितना होल्स दिख रहे, 3 होल्स दिख रहे, बड़ा होल है इसके और बड़ा होल है और छोटा होल है, 3 होल। यह होल किया क्यों दिया हुआ है, यह वायर टाइप का, यह वायर टाइप क्यों दिया हुआ है आप लोगों का आईक्यू, यह हम लोग सब वायर टाइप का आईक्यू कहाँ पे यूज करना,
ऑल टाइप का आइके कहाँ पे यूज करना, कैसा यूज करना अभी आप लोगों को बताएगा। वायर टाइप आईक्यूआई को कैसा पहले सेलेक्ट करना है, इसके लिए एक फार्मूला है आईक्यूआई का सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ आईक्यूआई कोई भी आपको पूछेगा तो 2% ऑफ द जॉब थिकनेस। ओके 2% ऑफ द जॉब थिकनेस, हम लोग फिल्म का सेंसिटिविटी कितना है 2%, राइट। ओके फिल्म का जो सेंसिटिविटी है 2% है हमारे पास, ये 2% का हम लोग रेफरेंस लेके हम लोग डेंसिटी को हम लोग मेजर करने का। आपका टेक्स्ट बुक में आईक्यूआई को सेलेक्ट करने के लिए बड़ा बड़ा फार्मूलास देता है, वो बहुत कंफ्यूजन भी रहता है, उसके लिए आप लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट मत रखिए। वो उसका सिंपल फार्मूला आपको मैंने बोल रहा हूँ, 2/100 इंटू जॉब थिकनेस, दिख रहे हैं आपको बोट। ओके सो ये फार्मूला यूज करके हम लोग वायर टाइप का आईक्यूआई को सेलेक्ट करना है। ओके डिन टाइप का, अभी हम लोग एग्जांपल डिन टाइप का ये कहां पे यूज करेंगे पहले देखेंगे। सपोज हम लोग एक साइट में गया, एक साइट में गया, हम लोग का एक वेल्डिंग दिया हुआ है, ये साइट में हम लोग ये वेल्डिंग को रेडियोग्राफी करना है, रेडियोग्राफी करना है तो आईक्यूआई चाहिए। ओके आईक्यूआई हम लोग अभी फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है तो आपको मैंने पहले बताया कि एलपीटी एमपीटी के लिए थिकनेस के बारे में इतना सोचने का जरूरत नहीं है, लेकिन आरटी का यूटी का काम करना चाहिए तो कंपलसरी हम लोग थिकनेस के बारे में मालूम होना ही चाहिए। ओके सो रेडियोग्राफी का यहाँ पे जो मैंने थिकनेस आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, आपको 18 mm थिकनेस, ओके ये थिकनेस आपको 18 mm थिकनेस दिया हुआ है। ओके सो ये थिकनेस यूज करके हम लोग आईक्यूआई को सेलेक्ट करना है। हर फिल्म टोटल फिल्म्स कोई भी फिल्म्स हम लोग का सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी 2% होना चाहिए, ये 2% हो हुआ है बोल के हम लोग का कैसा पता चलेगा, हम लोग का डेंसिटी का वजह से, कॉन्ट्रैक्ट का वजह से। अभी ये सब पहले आईक्यूआई का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 2/100 बोलेगा तो आप मेरे आप जो बोलने का टाइम पर आप चाह रहे ऐसा भी आप साइड करेंगे तो एक पॉइंट मिस हो जाएगा। 2/100 का मतलब 2%, राइट, ये 2% है, हम लोग फिल्म सेंसिटिविटी 2% पक्का होना चाहिए, लेकिन नहीं तो फिल्म रिजेक्ट है। तो ऐसा है तो हम लोग रेफरेंस 2% लेके जॉब थिकनेस, सपोज 2/100 इंटू जॉब थिकनेस 18 mm, आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आया तुरंत। हर मुझे भी बोल सकते हैं, हर आदमी मोबाइल मुंह से नहीं है, मोबाइल से करना ही है, मुंह से मुझे भी मैं भी बोल सकता हूँ। कितना आया? 0.36 is the right. अभी मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है, आपके पास सभी का पास बुक है। ओके सो ये 0.36 है, आपको टेक्स्ट बुक में देखिए, आपको टेक्स्ट बुक में 3 tables दिया हुआ है। ओके ISO 27, 6 ISO 12, 10 ISO 16 बोल के, ये 3 IQS में, ये जो 3.6 किस में है अब मुझे बताइए, वहां पे वैल्यूज किधर है, वहां पे वैल्यूज दिया हुआ ना। हाँ सर वो वैल्यूज में 1 to ISO 7, 6 to 12, 10 to 16. Very good. 6 to 12 में भी 3. है. Very good. 6 to 12 में 1.0. 16 में भी है. Okay. 6 to 12 में कितना वायर है? 6 to
12 में 7 7 7 सर नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा आपको आपको फर्स्ट आईक्यू में 7 डिजिट्स दिया हुआ है वहां पे वैल्यूज में बताता हूं सुनिए 3.2 फर्स्ट बाय फर्स्ट डे बुक देखिए आप बुक देखिए फर्स्ट वैल्यू 3.2 सेकंड वैल्यू 2.5 थर्ड वैल्यू 2.0 3.2 बोलेगा तो इसका मतलब है वो वायर में फर्स्ट वायर डायामीटर सेकंड 2.5 इसका मतलब सेकंड वायर डायामीटर थर्ड वायर 2.0 इसका मतलब थर्ड 2.0 थर्ड वायर डायामीटर इसका मतलब समझ गए ना ओके तो फर्स्ट आईक्यू में 7 वायर्स रहेगा तो वहां पे 7 वैल्यूज दिया हुआ है मतलब एक एक वैल्यू का डायामीटर है ऐसा सेकंड आईक्यू में 7 वैल्यूज है सो सेकंड 7 वायर्स का डायामीटर वैल्यूज है थर्ड वायर है थर्ड वायर का 7 वायर्स का डायामीटर का वैल्यूज है अभी समझ गए ना उसमें ओके सर तो इसमें आप लोगों का ये कौन सा वायर में मैच हो रहे हैं 0.36 फर्स्ट वायर है सेकंड वायर है थर्ड वायर है फोर्थ वायर है फिफ्थ वायर है सिक्स्थ वायर फिफ्थ वायर फिफ्थ यस वो मुझे बताइए 0.36 फिफ्थ वायर है और इसमें 10 टू 16 में फर्स्ट वायर है इसमें क्या मतलब है 10 टू 16 फर्स्ट वायर सर फर्स्ट मैंने उस स्पीक फर्स्ट सर फर्स्ट वायर को ना वॉइस मेरे जो स्पीकर रखा है मैं इसीलिए मेरा वॉइस आपको समझ में आता है आपके मोबाइल से छोटा वॉइस आता है मुझे रीच नहीं होता है फर्स्ट वायर सर फर्स्ट वायर फर्स्ट वायर वेरी गुड फर्स्ट वायर है फर्स्ट वायर है यहाँ पे आप लोग अभी देखिए यहाँ पे आप लोग का 10 ISO टू 12 राइट ये आप गलत बोल रहे यार इसमें फिफ्थ वायर के हाँ बराबर है फिफ्थ वायर है ना ओके बराबर है सर बराबर फिफ्थ वायर बराबर है ये फिफ्थ वायर है ओके फिफ्थ वायर बोलेगा तो 0.36 इसमें कैसा है सो 12 बोलेगा तो 10 इसमें 10, 11, 12 इसमें 3 वैल्यूज इसमें है कि नहीं ये 12, 11, 12 3 वैल्यूज है 3 वैल्यूज मतलब 3 पोजीशन है ये 5th पोजीशन, 6th पोजीशन, 7th पोजीशन मतलब 3 पोजीशन का बैग इसमें जो 3.6 है इसमें जो 3.6 है मतलब दोनों में आया समझ गए अभी दो वायर में क्यों आया ओके सर कोई भी इंटरव्यू में पूछता है ऐसा क्यों आया बोलेगा तो इसमें जो भी रिपीटेड वायर है जो भी वायर है इसमें नेक्स्ट आईक्यू में रिपीट हो रहे ओके ये आपको रीजन वो बोलना चाहिए और अभी आपको और एक क्वेश्चन पूछता है अभी 0.36 इसमें आया और इसी में भी आया तो इस दोनों में एक ही आईक्यू यूज करना हम लोग तो कौन सा आईक्यू हम लोग यूज करना है वो आईक्यू यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग का ऊपर ऐसा रखना चाहिए समझ गया Okay, तो आईके कौन सा आईके रखना बोलेगा तो हमेशा हम लोग जो ये बिलो आपको एक शॉर्टकट अभी मैं बता देगा आपको बिलो 20 mm सो आपको ये एंडिंग वायर ओके जो आपको हमेशा स्टार्टिंग वायर को प्रायोरिटी देना ही है लेकिन हम लोग 0.36 बोले तो 6 ISO to 12 आईके यहाँ पे हम लोग यूज करता है ओके अभी एक बार आप लोग बैक स्टेप देखिए यहाँ पे आप लोग को एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं हम लोग आईक्यू को सेलेक्ट करने के लिए ये प्रोसेस है आईक्यू को सेलेक्ट करना है 2% ऑफ द जॉब थिकनेस तो ऐसा अभी आईक्यू सेलेक्ट करना आया ना ओके सो आप लोगों का अगर साइट में आपको आईक्यू को फाइंड आउट करना आता नहीं है अगर कुछ आपका टेंशन वजह से कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकता है तो आप लोग ऐसा कीजिए कि एक आपको शॉर्टकट यहाँ पे बोल रहा हूँ स्क्रीन में देखिए आप लोग का 1 ISO to 7 आईके 40 mm से लेके 160 mm तक 1 ISO to 7 हम लोग यूज कर सकता है
ठीक है सर। ओके 40 एमएम से लेकर 160 एमएम, सपोज मैंने आपको साइट में 100 एमएम का मटेरियल मैंने आपको रेडियोग्राफी करने के लिए दिया 100 एमएम, तो आप लोग क्या करेगा 2/100 इनटू थिकनेस, जॉब थिकनेस कितना दिया 100 दिया, आपको कैलकुलेट करेगा कुछ भी आप बोलेगा, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसीलिए मैंने आपको एक शॉर्टकट मैंने आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग 40 to 160 mm तक बीच में रहेगा तो आप लोग 1s/7 आई के आंख बंद करके निकाल के यूज कर सकता है। 40 to 170, हाँ गुड गुड, समझ गए क्लियर। नेक्स्ट ओके सर, नेक्स्ट 6s/12 ये कैसा है, 12.5 mm से लेके 50 mm तक ये यूज कर सकता है बोलते है। यहाँ पे मैंने आपको 50 mm तक बोल के बोल रहे, लेकिन फर्स्ट आई के कैसे है 40 mm से शुरू है, यहाँ पे देखिए ये 40 mm से शुरू है, ये 50 mm से एंड है, मतलब 50 mm से एंड बोलेगा तो 40 इधर भी है राइट। तो हम लोग इसको प्रायोरिटी देना है, ये 50 mm है ना, 40 mm तक ये 40 mm से ये शुरू है, अगर 50 mm आएगा तो ये यूज करने का 1s/7। ओके सर, लेकिन आइए तो आप लोग ऐसा भी कर सकता है कि 12.5 mm से लेकर 50 mm तक ये यूज कर सकते 6s/12, 50 mm का ऊपर जाएगा तो ये यूज कर सकते 1s/7। ओके और यहाँ पे आप देखिए 10s/16 का मतलब 50 mm से लेकर 20 mm, सॉरी 5 एमएम से लेकर 20 एमएम तक ये यूज कर सकते हैं, 20 एमएम तक 10s/16 यूज करने का, 20 एमएम के ऊपर आएगा तो 6s/12 यूज करने का, क्लियर। ओके इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखिए 18 एमएम का कौन सा आईके यूज कर रहे हैं, 6s/12। ओके क्लियर क्लियर सर। ओके नेक्स्ट स्लाइड, आपको यहाँ पे 3 IQS है, आपको और एक टेक्निक में बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे आप लोगों का वो बोलिए हेलो सर, वो सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी 2% है, वो फिक्स है ना, 100% आएगा क्योंकि हम लोग 2% के हिसाब से तो IQ लिया ना, ये आईक्यू है, ये जो आईक्यू का जो वायर मतलब आईक्यू का जो वायर आ रहा है ना, वायर टाइप का आईक्यू है, वो आईक्यू आपको वेल्डिंग में आना चाहिए, आएगा मतलब तो, हम जितना भी थिकनेस ले लो बट वो 2% को हम काउंट ये लेना है, मेजर लेना है बस, अब कितना भी थिकनेस है, थिकनेस इसको 2% ऑफ द जॉब थिकनेस के हिसाब से हम लोग लेता ही है। ओके सो वो जो 2% का जो वायर है विच इज द मिडिल ईस्ट वायर है, वो वायर हम लोग का वेल्ड में दिखना चाहिए, सेंसिटिविटी जो वायर है हम लोग का वेल्डिंग में दिखना चाहिए, दिखेगा तो वो वायर दिखेगा तो ये इमेज को 2% सेंसिटिविटी हाई बोल के हम लोग को पता चलता है, तो सोच 2% सेंसिटिविटी का वायर है हम लोग वेल्डिंग में दिखेगा तो इसका मतलब वो 2% सेंसिटिविटी का इमेज है, 2% बोलेगा तो क्वालिटी इमेज है। ओके सो नेक्स्ट डाउट क्लियर हो गया ना आपका, ओके सर। ओके तो मैंने आपको एक बीआरसी का एक टेक्निक बोलना चाहता हूं, वो टेक्निक क्या है, ये 1s/7 6s/12 10s/16। ओके इसमें आप लोग देखिए, इसमें टोटल वायर्स आपको कितना है, 21 वायर्स है, टोटल 21 है, हम लोग गिन गए काउंट करेंगे तो कितना आ रहे,
वेरी गुड। और अभी जो इसमें वैल्यूज दिया हुआ है ना 21 वायर्स का वैल्यूज, वो वैल्यूज आप लोग बोल सकते हैं बिना देख के कंटेस्ट करके 21 वायर्स। लॉजिक आपको पूछता हूँ, लॉजिक फर्स्ट आई क्यू लेके फर्स्ट वायर डायमीटर कितना है, फोर्थ वायर डायमीटर कितना है, सिक्स्थ वायर डायमीटर कितना है, और सेकंड वायर में फर्स्ट वायर कितना है, ऊपर से भी पूछ सकते हैं, नीचे से भी पूछ सकते हैं। ऐसा मैं पूछेगा तो कौन बोलेगा तो उनका फीस मैं वापस दे देता हूँ। बम्पर ऑफर सही है, झूठ नहीं है। हाँ ठीक है सर आप ये बोलिए, मैं लॉजिक ढूंढता हूँ। आपको कितना टाइम चाहिए? हेलो हेलो ओके सो आप लोग को एक घंटा टाइम देगा तो आप लोग बोल सकता है। ऐसा एक बैच बताया, ये बैच बेस्ट ट्राई सर 90% बोल दिया, लेकिन मुझे तो 100% रिजल्ट चाहिए ना। पहले काम ओके आपको एक सिंपल कट, सिंपल शॉर्टकट मैंने आपको बोल रहा हूँ, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास फर्स्ट वायर डायमीटर 3.2 राइट, सेकंड वायर डायमीटर 2.5, थर्ड वायर डायमीटर 2.0 ओके बस आ गया 21 वायर्स का डायमीटर का वैल्यूस आ गया। सर कैसा है सर, आप लोग 3 वायर्स डायमीटर लिख के वो सब आ गया बोलते, कैसा आ गया ये तीन ऊपर का सर? ये तीन वायर्स डायमीटर आपको पता चलेगा तो बाकी पूरा वायर का डायमीटर आपको मालूम पड़ गया ओके। वो कैसा है राजेश, सोएगा? सो गया लगता राजेश? नहीं सर अरे मेरा नहीं पता ओके आदेश, अभी इसमें कैसा है? फर्स्ट 3.2 है, 3.2 में आप कितना है सर? मेरा नेट हां सर 1.6। फोर्थ वायर आप लोग वहां पे चेक कर सकता है बराबर है कि नहीं, 2.5 फर्स्ट तीन वायर्स का डायमीटर में आप ऑफ कर दो, 2.5 में आप कितना है 1.2, 1.6, 2.0 में आप कितना है 1.1। ये 3 वैल्यूज से लेके 3 वैल्यूज आ गई है ना? हाँ आ गया सर। नेक्स्ट ये 3 वायर ले लो, नेक्स्ट 3 वायर्स में 1.6 में आप कितना है 0.8। अभी इसमें यहाँ पे 7 वायर्स हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सर, 7 वायर्स दो उसमें डालना है। यहाँ पे आप लोग का 6, 7 6 वायर कितना है 1.0, 7 वायर कितना है 0.8। नेक्स्ट वन यहाँ पे 8.0 से बंद हो गया, नेक्स्ट 0.5 बराबर आ रहा है कि नहीं वहाँ पे सर? 0.6 है ना सर? सर एक्सीलेंट, ये टेक्निक है, कौन BKRC कोर्स किया है उन्हीं को पता है, ASNT वाला को पता नहीं चलता है ओके। ये सब टेक्निक्स बताता है ओके। और ये सब आप लोग करके 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 फाइनली आपको 0.1 mm आएगा। आपको IQA के बारे में BRC एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वाइवा पूछता है, क्या पूछता है? टिन टाइप IQA में सबसे ज्यादा बिगेस्ट वायर का वायर डायामीटर कितना है, बिगेस्ट वायर 3.2 mm in IQS, which is the smallest wire diameter, smallest, what is the smallest wire diameter? 0.1 okay ha sir. Rajesh ha sir, tum mask use karne ka kya zarurat hai, kuch kuch aapko chahiye kya? Ek room mein hai na? Ek room sir, ye room pura acha nahi hai। तू अकेला रहेगा तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, तुम एक रूम में रहेगा तो ओके। और तुमको ब्रीथिंग अगर बाहर जाएगा तो कंपलसरी मास्क चाहिए ओके मां। सो अभी ये समझ गए ना आपको?
नो डाउट ओके नो डाउट सर और नीचे आईकेएस का कौन सा बचा है होल टाइप आईके है यहाँ पे आप लोग देखिए होल टाइप आईके है यहाँ का एसएस मटेरियल का है ओके यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है ना 26 मुझे दिख रहा है 26 यहाँ पे 25 ये भी 25 है लेकिन आप टेक्स्ट बुक में देखेगा तो ये एरिया आपको ग्रिड जैसा आपको देता ही है ग्रिड मतलब एक लाइंस जैसा है इस एरिया को हम लोग बोलता है ताऊ THOU ताऊ इसका मतलब 1/40 आपको बीआरसी एग्जाम में कोई भी एग्जाम में आपको पूछने के लिए चांस है उसको जो बोलता है ये 26 को 25 को इस एरिया को बोलता है ताऊ बोल के ये ताऊ बोलेगा तो 1/40 इसका मीनिंग है जनरली वो ये वैल्यू आपको कहाँ पे यूज नहीं होता है खाली मैंने आपको नॉलेज के लिए आपको बोल रहा हूँ और वायर टाइप आईके में मैंने आपको क्या बोला था रेडियोग्राफी करने के बाद हम लोग उसमें 2% सेंसिटिविटी वायर वेल्डिंग में दिखा जाएगा बोल के तभी ये फिल्म सेंसिटिविटी 2% का सेंसिटिविटी फिल्म में बोल के समझ में आ जाएगा अगर वायर होल टाइप का आईके यूज करेगा तो यहाँ पे 3 होल्स दिया हुआ है इसमें कौन सा होल वेल्डिंग में आएगा वेल्डिंग का मतलब आपको ये होल टाइप आईके कैसे यूज करेगा मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएगा ये आपको होल टाइप आईके आपको वायर टाइप आईके आपका वायर टाइप आईके है तो वेल्ड में ऐसा वर्टिकली यूज करता है ओके ये एएसटीएम हो या डिन हो अगर होल टाइप आईके आपको कैसे यूज करेगा ये वेल्डिंग का नीचे यूज करना चाहिए वेल्ड में नहीं रखना है वेल्ड का नीचे मतलब कितना डिस्टेंस है ये गैप आपको 1 इंच या 2 इंच का गैप में रखना चाहिए डायरेक्ट समझ गए मां सर क्यों रखना है सर ऐसा हर चीज के लिए ये आपको ड्रा ये अभी आप ड्रा मत कीजिए आपको ओरिजिनल पिक्चर मैंने आपको दे देगा अभी मुझे देखिए सर ये तो वायर टाइप है आप वेल्ड में रखने के लिए बोल रहे हैं होल टाइप का नीचे रखने के लिए बोल रहे हैं क्या प्रॉब्लम है वेल्ड का वायर टाइप आईपीए सेम मटेरियल है अल्यूमिनियम है तो अल्यूमिनियम एसएस है तो एसएस फेरस है तो फेरस सेम मटेरियल यूज कर रहा है ना वायर का इसीलिए हम लोग वेल्ड में यूज कर सकता है ये होल टाइप आईक्यू के क्या हो रहे हैं ये जो मेटल है अलग मेटल है नॉन मेटल ओके ये वेल्डिंग में आना नहीं चाहिए ये वेल्ड का नीचे रखना चाहिए ये वेल्ड का नीचे रखना चाहिए और ये 3 होल्स में 1 2 3 होल्स में आप लोग को ये टूटी होल है ये टूटी होल आपको रेडियोग्राफी में दिखना चाहिए फिल्म में दिखना चाहिए ऐसे टूटी का होल दिखेगा तो ये फिल्म आपको 2% सेंसिटिविटी इमेज ऐसा बोल के एक डायरेक्शन था सर ये कैसा पता चलेगा सर ये तो वायर टाइप है तो आप लोग आईके सिलेक्शन हम लोग आईके सिलेक्शन किया है 2% ऑफ द जॉब थिकनेस होल टाइप आईक्यू तो कैसा करने का बोलेगा तो अभी आप लोग इमेज निकाला है ना उसका नेक्स्ट इमेज देखिए नेक्स्ट इमेज आपको ये आईक्यूएस का टेबल या कोई भी आपको आईक्यू के बारे में इंफॉर्मेशन पूछता है यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं देखिए ये डिन एफई का मतलब फेरस आपको फेरस मटेरियल के लिए हम लोग फेरस आईक्यूएस हम लोग यूज करता है
ये कौन सा आई के है? सिक्स आई एस वोट ट्वेल्व, ये सिक्स आई एस वोट ट्वेल्व का बोलेगा तो ये इसका वायर्स देखिए, ये मोटा है और इसका और छोटा मोटा है और छोटा मोटा है, ऐसा 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 पतला हो गया। ओके इसमें 1.0 फर्स्ट वायर डायमीटर, सेकंड वायर डायमीटर, थर्ड वायर डायमीटर, फोर्थ, ऐसा एक एक वायर का डायमीटर है। ये पेंट्रामीटर सिलेक्शन का 2% ऑफ द जॉब थिकनेस, 2/100 इंटू जॉब थिकनेस। आईक्यू 2% ऑफ द जॉब थिकनेस, हम लोग जो पहले डिस्कस किया वैसा ही है। ओके सर, आप कोई भी नोट करना है तो मुझे बताएगा तो मैंने आपको टाइम देगा, लेकिन आई तो स्किप करना पड़ता है। ओके सर, ओके स्किप करने का। अभी आप यहां पे देखिए, आप यहां पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है। आपको 2 इंच का पाइप, 2 इंच का पाइप कितना रहता है ज्यादा से ज्यादा, उसमें कितना आईक्यू हम लोग रख सकते हैं? एक ही आईक्यू रख सकते हैं। 2 इंच पाइप का अंदर, 2 इंच पाइप मतलब ये भी है 3/4 इंच पाइप भी हो सकता है, आधा इंच पाइप भी हो सकता है, 1 इंच 1.5 2 इंच कोई भी। ओके ये पाइप 2 इंच का पाइप बहुत छोटा पाइप है, उसमें एक ही आईक्यू हम लोग लगा सकते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल यहाँ पे पाइप देखिए, यहाँ पे पाइप, ये पाइप को हम लोग ये क्या आईक्यू लगा सकते हैं? सेकंड आईक्यू लगा सकता है क्या? जगह है नहीं, जगह नहीं है। तो इसीलिए हम लोग 2 इंच पाइप का अंदर ये क्या आईक्यू हम लोग लगाएंगे। अगर 3 इंच का, 4 इंच का, 5 इंच का, 10 इंच का, 20 इंच का, तो क्या होता है? पाइप डायामीटर बढ़ेगा तो जगह पड़ेगा। तो वैसा है तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, बड़ा पाइप रहेगा तो हम लोग, यह वेल्डिंग है तो यहाँ पे एक आईक्यू है, यहाँ पे एक आईक्यू है, यहाँ पे एक आईक्यू है, यहाँ पे एक आईक्यू है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आईक्यू है कभी लगाएंगे? यहाँ पे फिल्म रखेगा तो ये आईक्यू लगेगा, राइट? वहां पे फिल्म रहेगा तो वहां पे आईक्यू रखता है। बिना फिल्म हम लोग आईक्यू नहीं रखता है, फिल्म के साथ आईक्यू रखता है, बराबर? फिल्म के साथ आईक्यू रखता है, क्यों? वो आईक्यू हम लोग फिल्म में आना चाहिए। ओके मां, सो यहाँ पे हम लोग आईक्यू रखा है, कितना आईक्यू रखा है? जनरली हम लोग कोई भी एक फिल्म के लिए मिनिमम अबव 2 इंच पाइप के लिए मैं बोल रहा हूँ, अबाउट 2 इंच पाइप के लिए मिनिमम 2 IQA होना चाहिए, 2 IQA, ये याद रखिए, 2 IQA। ये 2 IQA कैसा है? ये फिल्म रहेगा तो स्टार्टिंग एक IQA और लास्ट में एक IQA। अभी ये स्क्रीन, अभी स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे एक IQA रखा है, सेम IQA यहाँ पे रखना चाहिए। ओके क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट कैसा रहेगा? मुझे वायर टाइप आईक्यू चाहिए बोलेगा तो आप लोग का आईक्यू फाइंड आउट किया 10^16 आया। ओके 10^16 आया ना। ओके एग्जांपल 10^16 आप बीच में बात मत कीजिए, 10^16 वाला 2 IQA आया, 2 IQA यहाँ पे एक आईक्यू रखना चाहिए। देखिए ये एक आईक्यू रखना चाहिए, सेकेंड आईक्यू आपको उल्टा रखना चाहिए। ओके ओके एक आईक्यू आपको सीधा रहेगा तो एक आईक्यू उल्टा रखना चाहिए उसमें। और यहां पे आप देखिए दोनों भी 10^16 है यूज करने का, हमारे पास 10^16 5-10 एक ही आईक्यू आपको, हमारे पास 5-10 आईक्यू रहता है साइट में। अभी 1 मिनट में लिंक एक्सपायर्ड होने वाला है। ओके अभी लिंक एक्सपायर्ड हो गए तो तुरंत आप लोग लाइन में आइए। ओके सर। और सपोज वो क्लाइंट बोलेगा मेरे को टिन टाइप आईक्यू चाहिए बोलेगा तो दोनों टिन यूज करने का वायर टाइप वेल्ड में, जैसा वो वेल्ड में अप्लाई किया वैसा। अगर नहीं है हम लोग को ASTM चाहिए बोलेगा तो दोनों आईक्यू ASTM का। सपोज यहाँ पे देखिए आप लोगों का 1 IQA आया,
वन या आई के, दूसरा साइड में भी वन या आई के यूज करने का, ओके यहाँ पे वन ये, वहां पे भी वन ये यूज करने का, लेकिन वो क्लाइंट बोलेगा यहाँ पे इमेज कैसा है, मुझे एक वाइट टेप चाहिए एक होल टेप चाहिए बोल के बोला, एक वाइट टेप चाहिए एक होल टेप चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे वाइट टेप है यहाँ पे होल टेप है, आप तुम ये एस टी एम यूज